वेलकम बैक टू माय नीनूस किचन। चलिए तो आज बनाते हैं बच्चों के लिए स्पेशल, और ठंड बहुत पड़ रही है तो गर्मा गर्म सैंडविच जो कि हमें भी इजी पड़ेंगे ठंड में, और सब्जी वेजिटेबल भी सारी बच्चों को अच्छे से खा पाएंगे वो सैंडविच में खुश होकर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये चुकंदर, इधर लिए पत्ता गोभी, और इधर लिया है शिमला मिर्च, ये प्याज लिए, और इधर ये गाजर लिए हैं, और इधर ये हरा धनिया लिया है। अब चलिए बनाते हैं फिर देरी किस बात की सैंडविच। इधर ब्रेड पे लगाने के लिए ये बटर लिया है, इसको मेल्ट करती हूँ मैं। इन सभी वेजिटेबल को मैं एक बाउल में मिक्स कर लूँगी। तो इसमें ऐड करते हैं हम थोड़े से स्पाइसेस। तो इधर मैंने लिया है ये जीरा पाउडर, ऑरेगिनो, सॉल्ट, गरम मसाला, चाट मसाला, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो वो डाल दीजिए, मेरे पास टाइम ख़त्म हो चुकी है तो मैं ये रेड चिली जो नॉर्मल होती हैं वो ही डाल रही हूँ जो सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं। अब इसमें जाएगा मेन मेयोनीज, जिससे कि टेस्ट बढ़ेगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो इसमें हम डालेंगे मेयोनीज कम से कम 5-6 चम्मच। जब तक हमारा ये बहुत अच्छे से बैटर ना बन जाएगा, तो मैंने मेयोनीज भी मिला लिया। अब देखिए मेयोनीज मिला के कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, सब कलर इसमें ऐड हो रहे हैं, और देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, उतना झटपट बनेगा और बहुत ही अच्छा बनते हैं ये सैंडविच। तो अब करते हैं तैयारी सैंडविच बनाने की। तो यहाँ पर लिया मैंने ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड है मेरी, अगर आप आटे की ब्रेड या मल्टीग्रेन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप इसके किनारे काटना चाहते हैं तो वो भी काट सकते हैं। मैं इसमें किनारे नहीं काट रही, इस पर बटर कर रही हूँ, लगा रही हूँ पूरा अच्छी तरह से, और इसी में रखेंगे हम ये जो हमने बनाया है। इसके किनारों पे भी लगा देंगे। अच्छे से इस तरह से बहुत ही यमी बनते हैं, और गर्मा गर्म चाय के साथ में ठंड में झटपट बनाइए और एंजॉय कीजिए। इसके जो किनारे हैं उन पे भी लगा दीजिएगा, तो पूरा जब हम मुंह में बाइट करेंगे तो अच्छे से पूरे माउथ में पूरा अच्छा सा टेस्ट आएगा, खाली ब्रेड का नहीं आएगा। इस तरह से लगा देंगे। अब हम जो दूसरी वाली ब्रेड है उस पे भी बटर इस तरह से लगा देंगे थोड़ा सा, इसको इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने सैंडविच मेकर पर भी थोड़ा सा बटर लगा दूंगी इस तरह से, और इसी पे रख देंगे हम अपने सैंडविच। और इसके ऊपर से भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे। इस तरह से कर देंगे बंद और हो जाएगा ऑन। अब इसको हम
जब हमारा बन जाएगा तो लाइट जो है वो ग्रीन हो जाएगी, तो हम इसे, चलिए तो अब देखते हैं खोल के। तो देखिए हमारे सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं, अब इनकी करते हैं हम प्लेटिंग। तो देखिए आप कितने कम समय में और कितने अच्छे हमारे सैंडविच बनकर रेडी हुए हैं, कलरफुल एकदम, बहुत ही यमी से देखने में ही लग रहे हैं, और पूरा प्रॉपर इसमें वेजिटेबल हैं। तो बच्चों को झटपट छुट्टी में बनाइए और बहुत ही कम टाइम में आप भी ठंड में एंजॉय कीजिए सैंडविच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई नई डिशेस देखने के लिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।